आज का वीडियो बहुत खास है क्योंकि आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ आरोहण एकेडमी का रिक्रूटमेंट इन्फॉर्मेशन। आरोहण एकेडमी यानी कि हमारी एकेडमी, आपकी अपनी एकेडमी, और हमको रिक्वायरमेंट है टेक्निकल असिस्टेंट की। इस रिक्रूटमेंट से जुड़ी हुई सारी इन्फॉर्मेशन को अभी आने वाले कुछ मिनटों में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। हेलो एवरीवन, दिस इज आलोक सिंगरौल, वेलकम टू द इंजीनियरिंग एरिना ऑफ आरोहण एकेडमी। ओके, तो ये हमने रिक्रूटमेंट की डिटेल ओपन कर ली है आपके सामने। ये देखिए, दिस इज अवर ईमेल आईडी, इसी में आपको अपना रिज्यूमे सेंड करना है। देखिए, चलिए रिक्रूटमेंट नोटिस देख लेते हैं कौन सी डेट का है। तो ये है 24/9/2024 को। अब यहां पर आरोहण एकेडमी में किस पोस्ट पे वैकेंसी अवेलेबल है आपके लिए, दैट इज टेक्निकल असिस्टेंट। टेक्निकल असिस्टेंट हम आगे चल के आपको अभी पूरा जॉब प्रोफाइल और पूरी तरीके की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो भी आपकी रहेगी वो सारी चीजें एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ पर आपकी जो वैकेंसी रहेगी उसमें पोस्ट का नाम क्या है, नेम ऑफ द पोस्ट है टेक्निकल असिस्टेंट। नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी रहेगी, यहाँ पे 5 वैकेंसीज है। और नेचर ऑफ जॉब, मतलब ये आपके काम का नेचर कैसे रहेगा, तो इट इज वर्क फ्रॉम होम रहेगा, है ना, वर्क फ्रॉम होम आपका जॉब रहेगा। और ये प्रोजेक्ट बेसिस में रहेगा, समझिए इस चीज को। प्रोजेक्ट बेसिस मतलब ऐसा कि आपको एक स्पेसिफिक काम दिया जाएगा, एक प्रोजेक्ट दिया जाएगा, उस प्रोजेक्ट को आपको कंप्लीट करना है। वर्क फ्रॉम होम होने की वजह से आपके पास एक लैपटॉप खुद का होना बहुत जरूरी है, प्लस आपके पास एक फास्ट इंटरनेट कनेक्शन, ये होना बहुत जरूरी है, ठीक है। ये दोनों की रिक्वायरमेंट बेसिक आपके एंड पे लगने वाली है हमको यहाँ पर। तो वर्क फ्रॉम होम इस जॉब का नेचर होने वाला है, आपको हमारे ऑफिस आके काम नहीं करना है, आपको अपने घर से काम करना है, रिमोटली ऑपरेट करना है। और ये रिक्रूटमेंट रहेगा प्रोजेक्ट बेसिस पे, तो हम आपको प्रोजेक्ट देते जाएंगे, दैट इज कंटिन्यू चलेगा, पूरे साल भर चलेगा, और वो प्रोजेक्ट आपको समय समय पे कंप्लीट करके हमको वापस देते जाना है। नेक्स्ट, क्वालिफिकेशंस क्या रहने वाली है इस जॉब के लिए, तो क्वालिफिकेशंस पे आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको डिप्लोमा बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या फिर बीटेक इंजीनियरिंग के किसी भी स्ट्रीम में, मतलब कोई भी ब्रांच का अगर इंजीनियर है, चाहे वो डिप्लोमा होल्डर हो, चाहे बीई वाला हो, चाहे बीटेक वाला हो, ये सभी इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होने वाले हैं। यहाँ पर हम प्रेफरेंस किसको देंगे, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फिर रिलेटेड फील्ड। मतलब आप समझ सकते हैं, टेक्निकल असिस्टेंट है हमारी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, हमको बहुत सारे डिजिटल डॉक्यूमेंट्स के साथ डील करना है, तो बहुत ही बेसिक सी चीज है कि आपको अगर कंप्यूटर आपका सही है, आप कंप्यूटर सेवी हो, तो ये इस जॉब की प्राइमरी रिक्वायरमेंट है मान के चलिए। तो इसीलिए यहाँ पर प्रेफरेबली इन दोनों स्ट्रीम की तरफ बोला गया है, या फिर रिलेटेड फील्ड में जिसमें आपका BCA MCA वगैरह भी हो सकता है। बट इंजीनियरिंग से आप किसी भी ब्रांच से रहेंगे तो आप एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए, ठीक है, बशर्ते आपके पास अभी जो आगे हम और कंडीशंस रखेंगे वो सारी चीजें आपको आनी चाहिए, उसके बाद यू आर गुड टू गो, ठीक है। तो नेक्स्ट जो रिक्वायरमेंट रहेगी वो रहेगी टाइपिंग की, क्योंकि डिजिटल डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है तो टाइपिंग आना जरूरी है, और वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको आना कंपलसरी है। उसके अलावा आपको स्ट्रॉन्ग टेक्निकल स्किल होना चाहिए, किससे रिलेटेड, कंप्यूटर से, कंप्यूटर के नॉलेज आपको होना चाहिए प्रॉपर तरीके से, उसका कुछ हार्डवेयर आपको पता होना चाहिए, सॉफ्टवेयर के बारे में स्पेशली आपको पता होना चाहिए, जिसमें आपको फोकस करना है MS ऑफिस और लिब्रा ऑफिस के ऊपर, ठीक है, क्योंकि मोस्टली हमारा काम इन्हीं दोनों के ऊपर होता है। तो MS ऑफिस में आपके जो वर्ड एक्सेल के अंदर आपका जो भी डिफरेंट डिफरेंट चीजें ऑपरेट करते हैं, अपन जो जो ऑपरेशंस करते हैं, वो सारी चीजों के बारे में आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। सेम गोज फॉर लिब्रो ऑफिस, ठीक है। अब आपका जो एक एक्सेलेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल एंड ट्रबल शूटिंग एबिलिटीज का मतलब ये है कि आपको कोई काम दिया जाएगा तो आपको बार बार हमको सुपरवाइज करने की जरूरत ना पड़े, आप उस चीज को अपने एंड पे रिजॉल्व करने की कैपेबिलिटी रखो। एक इंजीनियर होने के नाते हम आपसे ये एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि आपको अगर कोई टास्क दिया जाता है, अलोंग द वे अगर कुछ हर्डल्स आते हैं तो यू कैन रिजॉल्व इट ऑन योर ओन, ठीक है। उसके बाद आपको आपकी एबिलिटी होनी चाहिए कि आपको इंडिपेंडेंटली और पार्ट ऑफ टीम काम करने आना चाहिए, अकेले भी काम करते आना चाहिए आपको, और टीम का हिस्सा बन के भी काम करना बहुत जरूरी है आना आपको, ठीक है। स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन और इंटरपर्सनल स्किल होना चाहिए, एक दूसरे से कम्युनिकेट करना सही तरीके से, इफेक्टिव तरीके से बहुत जरूरी है, तो इसलिए ये रिक्वायरमेंट लगेगी आपको,
ठीक है, अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या रहने वाली है, आपको करना क्या क्या है इस जॉब के अंदर। इस जॉब के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपकी रहेगी, आपको टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करना है किस चीज में, एजुकेशनल एक्टिविटीज और इवेंट्स जो कंडक्ट कराते रहते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी एजुकेशनल एक्टिविटीज होगी उसमें जो टेक्निकल एक्सपर्टीज की जरूरत पड़ेगी वो आपको प्रोवाइड करना है। उसके अलावा आपको असिस्ट करना है क्रिएशन और मैनेजमेंट ऑफ डिजिटल रिसोर्सेज, है ना। डिजिटल रिसोर्सेज मतलब अलग अलग जो भी डॉक्यूमेंट्स रेडी करने हैं, प्रेजेंटेशंस रेडी करना है और भी जो चीज़ें हैं, अगर आप हमारे साथ जुड़ेंगे तो हम आपको प्रॉपरली उस चीज़ को एक्सप्लेन कर पाएंगे जो हम यूज़ करेंगे टीचिंग और लर्निंग के लिए, ठीक है। तो ये आपको असिस्ट करना है इसको क्रिएट करने के लिए। उसके अलावा एक ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे आपको प्रॉपर इंटरनेट पे रिसर्च करते आना चाहिए। यहाँ पे हमने लिख के रखा है कि गैदर एनालाइज एंड समराइज इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ वैरायटी ऑफ सोर्सेज, अलग अलग सोर्सेज से आपको इंफॉर्मेशन गैदर करना चाहिए, उसको गैदर करना आना चाहिए, उसको एनालाइज करना आना चाहिए और साथ में उसको समराइज करके उसका इंफॉर्मेशन मतलब उसको आपका तो निचोड़ निकाल करके आपको उसको प्रेजेंट करते आना चाहिए। आपको क्या जरूरी है इसमें, क्या इंक्लूडेड है, कहाँ से आपको डेटा वगैरह एक्सेस करना है, तो वो आपको एआई चैटबॉट्स जो है जैसे कि जेमिनी हो गया गूगल का या फिर चैट जीपीटी हो गया कोपायलट उसी का जो वर्जन है, तो वो सारी चीजें आपको यूज करते आना चाहिए, एक बेसिक नॉलेज होना चाहिए। बाकी चीजें तो हम आपको जरूर बता देंगे कि हमारा वर्क फ्लो कैसा है, बट एक बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए एआई चैटबॉट्स का। उसके अलावा वेबसाइट में आपको रिसर्च करते आना चाहिए वहां से क्या इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन सोर्स आना चाहिए, आर्टिकल्स को रीड करके वहां से जो रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन है वो निकालना, रिपोर्ट्स प्रिपेयर करना और सोशल मीडिया में भी आपको चीजें मैनेज करना है, वहां से इन्फॉर्मेशन भी गैदर करना है, ठीक है। आपको टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करना है फैकल्टी को और हमारे स्टूडेंट्स को। उसके अलावा आपको और भी दूसरे काम करने हैं, जैसी जैसी रिक्वायरमेंट पड़ेगी हम आपको वो सारी चीजें बताते चलेंगे और आप वो उस तरीके की चीजें करनी रहेंगी यहाँ पर इस जॉब की, ये रिक्वायरमेंट होने वाली है। अब आपको इसके लिए अप्लाई कैसे करना है, तो अप्लाई करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको thearohanacademy@gmail.com, देखिए स्पेलिंग सही लिखिएगा अदरवाइज आपका मेल आएगा नहीं, इस ईमेल आईडी पे आपको अपना रिज्यूम सेंड करना है कवर लेटर के साथ में, और अगर कोई रेफरेंस है आपका तो रेफरेंस भी ऐड कर दीजिएगा साथ में, ठीक है। लास्ट डेट आपकी क्या होने वाली है, लास्ट डेट आपकी रहेगी 15/10/2024 तक आप अप्लाई कर सकते हो, तब तक आप अपने रिज्यूम हमें सेंड कर सकते हो। तो सिलेक्शन प्रोसेस में बेसिकली क्या रहेगा, पहले आप रिज्यूम सेंड करोगे हमको, उसके बाद हम वहां से शॉर्टलिस्ट करेंगे एंड देन डायरेक्टली इंटरव्यू रहेगा आपका और उसके बाद आपका सिलेक्शन रहेगा। अब यहां पर सैलरी की अगर हम बात करें तो हम आपको कॉम्पिटिटिव सैलरी देंगे, हमारा बेसिकली हम ये बोलना चाह रहे हैं कि इंडस्ट्री का जो स्टैंडर्ड है वो सैलरी हम आपको प्रोवाइड करेंगे, और चीजें बहुत हद तक डिपेंड करती है कि आपकी एबिलिटी किस तरीके से है, आप किस तरीके से काम करते हो, तो जब इंटरव्यू में वन ऑन वन बात होगी तो उस समय पे आप अपनी अपना पॉइंट ऑफ व्यू हमसे डिस्कस कर सकते हैं और हम भी आपको अपने रिक्वायरमेंट बताएंगे, उस हिसाब से हम सैलरी नेगोशिएट कर लेंगे आपस में मिलकर, ठीक है। तो ये सारी रिक्वायरमेंट रहेगी हमको यहाँ पर। आपको बेसिकली आपके एंड पे एक लैपटॉप और एक स्ट्रॉन्ग प्रॉपर वाईफाई अच्छा इंटरनेट कनेक्शन आपके पास होना बहुत जरूरी है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। उसके अलावा ये प्रोजेक्ट वर्क फ्रॉम होम रहेगा, आपको घर बैठे ही काम करना है, आपके वर्किंग आवर्स फ्री रहेंगे, आप अपने हिसाब से फ्लेक्सिबल काम कर सकते हो, इसीलिए प्रोजेक्ट बेसिस हमने रखा हुआ है कि हमने एक काम दे दिया आपको, वो काम आप करिए, आप जिस समय भी कर रहे हैं हमको उससे दिक्कत नहीं है, बस समय पे आप वो काम कंप्लीट करके हमको दे दीजिएगा। अगर आपको लगता है कि ये जॉब आपके लिए सही है और आपको इसकी जरूरत है तो आप हमें अपना रिज्यूम सेंड करिए, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। इस रिक्रूटमेंट से जुड़ा हुआ किसी भी तरीके का डाउट है आपके मन में तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, होप टू सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर गाइज।